गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश के लिए रीडिंग बुक निकाल लीजिए। रीडिंग बुक का पेज नंबर 23। यूज ऑफ एट ऑन एंड इन। यूज ऑफ एट ऑन एंड इन। एट का, ऑन का, इन का यूज बताएंगे। रीड अलाउड। नंबर वन, द एरोप्लेन इज एट द एयरपोर्ट। एरोप्लेन कहाँ पर है? एयरपोर्ट पर। नंबर टू में, कविता इज एट द बस स्टॉप। कविता कहाँ पर है? ये देखिए, बस स्टॉप पर। बस स्टॉप पर है। द टी पॉट इज ऑन द टेबल। ये देखिए, टी पॉट कहाँ रखा हुआ है? टेबल पर। नंबर फोर में, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। घड़ी कहाँ पर है? दीवार पर। द की इज इन द लॉक। की कहाँ पर है? लॉक में। द बर्ड इज इन द केज। पक्षी कहाँ पर है? केज में, पिंजड़े में। अमर इज इन द स्विमिंग पूल। अमर कहाँ पर है? स्विमिंग पूल में। इसके साथ ही पेज नंबर 24 वर्कशीट के लिए निकाल लीजिए। राइट एट, ऑन और इन द ईच ब्लैंक्स। नंबर वन में, द पिक्चर इज डैश द वॉल। तो इसमें क्या आएगा? पिक्चर कहाँ पर लगी हुई है? दीवार पर। तो हम यहाँ पर ऑन लिखेंगे, ओ एन ऑन। नंबर टू में, द गार्ड इज डैश द गेट। गेट पर गार्ड बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें गेट के पास बैठे हैं, तो 88। नंबर थ्री, द टेबल इज डैश द रूम। टेबल कहाँ पर है? देखिए, रूम में। रूम के अंदर है, इसीलिए हम यहाँ पर आई एन इन लगाएंगे। द टेबल इज इन द रूम। द गर्ल इज डैश द कार। गर्ल कहाँ पर है? कार में है, तो इन आएगा, आई एन इन। नंबर फाइव, द बुक्स आर डैश द टेबल। बुक्स कहाँ पर है? टेबल के ऊपर।